हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को फिनिश किया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है या फिर पहला चैप्टर भी बोल सकते हैं ज्योमेट्री का, लाइंस एंड एंगल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट has not its length, breadth or height. Point उसे कहते हैं जिसकी ना तो कोई length होती है, ना कोई breadth होती है, ना ही कोई height होती है। Point को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। और इसको हम लोग एक dot से represent करते हैं, इसी dot को हम लोग बोलते हैं point। Point भी बोल सकते हैं, dot भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई हाइट होता है, इसका कोई रेडियस भी नहीं होता, ठीक है। अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये लाइन बनानी है, ये लाइन कैसे बनेगी? ये लाइन बनेगी किसी भी दो पॉइंट के मिलने से। कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स फॉर्म्स अ लाइन। तो एक पॉइंट यहाँ स्पेस में कहीं भी दो पॉइंट आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसी दो पॉइंट से हम लोग क्या बना सकते हैं? लाइन। ये क्या फॉर्म हो गई? लाइन। ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन, ठीक है। ये लाइन कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। लाइन क्या होता है? लाइन अ सेट ऑफ ए पॉइंट, अ सेट ऑफ पॉइंट, a set of points called a line। ये लाइन जो होता है ये बहुत सारे पॉइंट्स के मिलने से लाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये सब सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना रहे हैं। ये क्या फॉर्म हो जा रहा है? एक लाइन, ठीक है। और लाइन में जो ये एरो का साइन होता है ये डिनोट करता है कि लाइन की कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। मतलब क्या है? इसका कोई अंत नहीं। ये एरो हमें दिखाता है इन्फिनिटी, कि ये लाइन इन्फिनिटी तक है। क्या दिखाता है? इन्फिनिटी। ये लाइन कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग लाइन समझ गए, पॉइंट समझ गए। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना ही कोई हाइट होती है। और जो लाइन होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से या फिर बहुत सारे पॉइंट का सेट होता है, उसी सेट से एक लाइन फॉर्म होती है, ठीक है। और जो लाइन होता है इसका कोई ना तो एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो लाइन होता है वो दो पॉइंट से मिलके बना होता है। मतलब स्पेस में आप कहीं भी कोई भी दो पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और हम लोग एक लाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें सर्कल बनाना हुआ, एक सर्कल बनाने के लिए जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं, जैसे एस सर्कल का फॉर्मेशन ऐसे होता, अगर हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए हमें थ्री पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, 1, 2। ये थ्री पॉइंट्स से हम लोग क्या बना सकते हैं? सर्कल। क्या बना सकते हैं? सर्कल। सर्कल बनाने के लिए हमें तीन पॉइंट की ज़रूरत होती है, और लाइन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट की ज़रूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। चलिए, लाइन सेगमेंट इसे हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। किसी भी लाइन का खंड कर दिया जाए, मतलब किसी भी लाइन को डिवाइड कर देंगे तो जो फॉर्मेशन होता है, जो नया पॉइंट निकल के आता है, मतलब जो लाइन को हम लोग अगर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक लाइन है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर, तो ये क्या बन गया? ये पॉइंट ए है और ये बी, इसे पॉइंट ए बी से कट कर दिया तो ये फॉर्म हो गया, ये लाइन कट के यहाँ पे आ गया। तो यही जो लाइन कट के यहाँ पे आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। लाइन सेगमेंट का हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये होता है लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन को हम लोग कट कर देंगे भागों में तो वो होता है लाइन सेगमेंट। अगर हम लोग इस लाइन को भी दो पार्ट में कट करें, मान लो ये सी है और ये डी है बेटा, तो ये सी डी, तो ये सी डी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ये सी डी भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है,
एक लाइन में हम लोग बहुत सारे लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, एक लाइन से हम लोग बहुत सारे लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, जितने पार्ट में हम लोग लाइन को कट करेंगे उतने लाइन सेगमेंट बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स, लाइन्स हैज इट्स कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन्स हम उसे बोलते हैं जिस पॉइंट से बहुत सारे लाइन होकर जाती हैं, जिस पॉइंट से बहुत सारी लाइन होकर जाती है उसको हम लोग कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, और जो लाइन उस पॉइंट से होकर जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स। चलिए, जैसे ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये सब एक सिंगल पॉइंट से होके जा रहे हैं, ओ, ये ओ पॉइंट है, और ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और ये लाइन L3 है, और ये लाइन L4 है। कितनी लाइन है यहाँ पे? फोर लाइन, L1, L2, L1, L2, L3 और L4। ठीक है, तो ये जो L1, L2, L3, L4 ये फोर लाइंस है, ये जो लाइंस है इनको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। लेकिन ये जो पॉइंट ओ है इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट से होकर सारी लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रे के बारे में। व्हाट इज रे? व्हाट इज रे? अरे हैज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट बट डज नॉट हैव एंडिंग पॉइंट। जो रे होता है उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है उसका एंड कहाँ पे होगा वो नहीं पता होता। रे को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से ये रे निकली, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये रे कहाँ तक गई, ये इसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। एरो का मतलब क्या है? इनफाइनाइट तक, ये लेंथ अनंत तक है जिसका हमें नहीं पता है। तो क्या है? ये रे ए बी है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते थे, तो रे ए बी, रे को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे ए बी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया हम लोगों ने, कॉन्करेंट लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, रे पढ़ लिया। पॉइंट क्या होता है? जिसका ना तो कोई ब्रेथ होता है, ना कोई लेंथ होता है, ना ही कोई हाइट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। और लाइन क्या होता है? सेट ऑफ ए पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट से मिल के लाइन बना होता है। लाइन का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो लाइन होती है उसको हम लोग दो भागों में कट कर देते हैं, और जो लाइन फॉर्म होके आती है उसी को हम लोग, जो नया लाइन हम लोगों को मिलता है कट करने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। और कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं? कॉन्करेंट लाइन्स एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन क्या होती है, पास होती हैं। जो लाइन होती है वो तो कॉन्करेंट लाइन्स हो गई, लेकिन जिस पॉइंट से होकर वो सारी लाइन्स पास करती हैं इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। और ये क्या है? रे। रे को मैंने क्या बताया? रे का तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट रे का नहीं पता होता। स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, तो ये रे कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब एंगल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोगों ने लाइंस के बारे में बात किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।